एक बच्चा भी था। इस बीच आपको श्योपुर से एक बड़ी खबर बताते हैं, जहां नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीतों के नाम बदले गए हैं। केंद्र सरकार ने सभी चीतों के नाम बदल दिए हैं। नामीबिया से लाई मादा चीता आशा का नाम आशा रखा गया है, सवाना का नभा रखा गया है, तिबलिसी का नाम धात्री रखा गया है, वहीं मादा चीता सियाया का ज्वाला रखा गया है, नर चीता ओबान का नाम पवन रखा गया है, एल्टन का नाम गौरव और फ्रेडी का अब शौर्य रखा गया है। चीतों के नए नामकरण के लिए पीएम ने सलाह मांगी थी, मन की बात कार्यक्रम में यह सलाह मांगी गई थी और इसके बाद चीतों के नाम बदले गए हैं। और चीतों के नाम देखिए जरा, किसी का ज्वाला रखा गया है, किसी का गौरव, किसी का शौर्य। सियाया मादा चीता जो है उसका नाम बदल के ज्वाला रख दिया गया है। नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से जो चीते लाए गए उनके अब नए नाम भी आ गए हैं, नामकरण हुआ है, नए नाम आए हैं। सवाना का नभा रखा गया है, पवन नभा, नरचिता ओबान का नाम पवन है, एल्टन का नाम गौरव, ये देखिए ये एल्टन जिसका नाम गौरव रखा गया और फ्रेडी का अब शौर्य रखा गया है, एक नाम धात्री भी रखा गया है। जल्दी से एक बार अलग अलग चीतों के जो नाम रखे गए वो आपको बता देते हैं। नामीबिया से मादा चीता लाई गई आशा, आशा अब तक नाम था, अब आशा रखा गया है। सवाना का नाम नभा रखा गया है, तो वहीं तिबलिसी का नाम धात्री रखा गया है। मादा चीता सियाया का ज्वाला, नर चीता ओबान का पवन, एल्टन का नाम गौरव और फ्रेडी का शौर्य रखा गया। एल्टन और फ्रेडी दोनों भाई बताए जाते हैं। चीतों के नामकरण के लिए पीएम ने सलाह मांगी थी और उसके बाद ये नाम रखे गए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्वदेश फोनलाइन पर हैं। स्वदेश बताइए, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये नाम जो रखे गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सलाह मांगी थी, लेकिन इन नामों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मादा चिताओं के ज्यादातर नाम कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के रूपों से कनेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा जो बाकी नर चीते हैं उनके भी नाम गौरव या फिर बाकी जो नाम रखे गए हैं वायु पवन, कैसे देखते हैं और किस तरीके से नाम सेलेक्ट किए गए? बिल्कुल, आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीतों के नाम के लिए जनता से सलाह मांगी थी, इनका नामकरण करने के लिए जनता खुद अपने नाम रखे जिससे इन चीतों को उन्हीं नाम से पकड़ा जाए। आज उस नाम पर मोहर लग गई और सभी जो नामीबिया से चीते लाए गए हैं उनके अलग अलग नाम रखे हैं। जो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने एक मादा चीता का नाम रखा था आशा, उसका नाम यथावत है, लेकिन और जो चीते नाम थे जैसे सवाना का नाम रखा नभा, तिलबिची का नाम रखा धात्री, और जो चार चावकों को जिस मादा चीता ने जन्म दिया था सियाया उसका अब नाम है ज्वाला। तो ये कुल मिला के माताओं, दुर्गा माताओं के नाम पर अब मादा चीताओं के नाम रखे गए हैं। और साथ में जो ओबान चीता जो कि कुनो सेंचुरी से निकलकर चिंपड़ी कभी आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम रहा था उसका ओबान से नाम बदल के अब पवन रख दिया गया है। बिल्कुल, और ओबानी कहीं ना कहीं स्वदेश परेशानी भी क्रिएट करता हुआ नजर आया। आसपास के ग्रामीण ये बार बार तो भाग जाता है अपना एरिया छोड़ के, और ऐसे में लोगों में भी कहीं ना कहीं डर का माहौल है। क्या स्थिति फिर इसे लेकर अब नजर आई? बिल्कुल, अभी जो ओबान चीता अब नया नाम पवन है वो काफी चिंपड़ी जिले के उस एरिया में है जहाँ टाइगर छोड़ दिए गए हैं, मतलब जो टाइगर वाला एरिया है वहां पर वो चीते की लोकेशन देखी जा रही है। क्योंकि ये लगातार ऐसा चल रहा था कि बलापुर एक गांव है वहां पर ये चीते की लोकेशन थी और वहीं पर टाइगरों की लोकेशन होने का ये अंदाजा लगा जा रहा था। और इन सभी का नाम उस वक्त रखा गया जब ओबान बार बार चिंपड़ी के माधव नेशनल पार्क में घूम रहा था और पूनो नेशनल पार्क में आने को तैयार नहीं है क्योंकि उसको कई बार रेस्क्यू करके पकड़ा भी गया है और पूनो सेंचुरी लाया भी गया है, लेकिन वो बार बार भाग के शिपरी माधव नेशनल पार्क में जा रहा है। अब चिंता ये बढ़ गई है वन विभाग की कि अगर वो नहीं आया तो फिर शिपरी में ही उनको रखने का एक अलग से प्रबंध किया जाना है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये एक परेशानी भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब इन नए नामों के बाद, जब नए नामों की घोषणा हो गई, नए नामों का ऐलान हो गया, लोग भी अब उन्हें नए नामों से पहचानेंगे, तो चीतों का दीदार अभी कितना वक्त लग सकता है कि पूरी तरीके से सभी चीते जिन्हें लोग देख सकें? बिल्कुल, इस पे अभी अधिकारियों ने ये पुष्टि की है कि जब तक साउथ अफ्रीका वाले चीते भी बड़े बाड़े से बाहर नहीं आते तब तक पर्यटकों को इन चीतों का दीदार नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब पूरे ही चीते खुले जंगल में छोड़े जाएंगे उसके बाद ये पर्यटकों को यहाँ पर घूमने के लिए परमिशन मिल पाएगी।
ठीक है, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये नए नाम इन चीतों के निकलकर सामने आए हैं, किसी का नाम तेजस, किसी का पवन, किसी का गौरव, वीरा, अलग अलग नाम रखे गए हैं और ये लोगों से सलाह के आधार पर ही रखे गए हैं। तो वही बड़वानी के ठीकरी थाना क्षेत्र के ग्राम दबाना में कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। सूचना पर आई पुलिस और दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, जिसमें